नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटा सा फार्मूला लेकर आए हैं। ये फार्मूला इतना कारगर है उन रोगियों के लिए जिनको दमा की दिक्कत रहती है, अस्थमा की दिक्कत रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती हो, सांस फूलता हो, कुछ काम करने के बाद हाँफने लग जाता हो, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तब उसको सांस चढ़ जाता हो, हाँफने लग जाता हो बिना कुछ किए, दम घुटता हो, सफोकेशन होती हो, ऐसी अगर कोई दिक्कत है उनके लिए आज जो हम छोटा सा फार्मूला आपको बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये फार्मूला उन लोगों के लिए कारगर है जो रोज़ाना अस्थालिन की गोलियाँ खाते हैं, रोटोकैप का कैप्सूल लेते हैं, भाप लेते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उनका श्वास की दिक्कत ठीक नहीं हो पाती, खासकर बुजुर्गों को, उनके लिए ये फार्मूला एक रामबाण औषधि से कम नहीं है। दोस्तों, फार्मूला आपके घर के आपकी रसोई में ही मिलने वाला है, कहीं पर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। 5 रुपए की चीज़ आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो जिसमें हमने देखिए क्या लिया है, 15 कलियां लहसुन की ली है, 15 कली लहसुन की जिसको हमने ऊपर से छील लिया है, और 15 से 20 ग्राम हमने लिया है, देखिए गुड़, शुद्ध गुड़ हमने लिया है, ऑर्गेनिक है हमारा गुड़ बिल्कुल से, और 15 कली लहसुन की और 20 ग्राम शुद्ध गुड़। अभी हमें अगला प्रोसेस करना क्या है, इसको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है, उस पर एक बर्तन को चढ़ा देना है और उसके अंदर ये देखिए करीब 200-250 ml पानी हमें चढ़ा लेना है, ठीक है, और इसको गर्म करते रहना है, और जब पानी गर्म हो जाए तब हमें लहसुन की कलियां और गुड़ को इसमें छोड़ देना है। तो चलिए पानी थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी 2 मिनट बाद पानी हल्का गुनगुना हो गया है, इसमें हमें करना क्या है, ये लहसुन की कलियां ये साबुत ही हमें इसमें के अंदर छोड़ देनी है इस प्रकार से, और इसके साथ साथ जो हमारा गुड़ था 20 ग्राम वो भी इसके अंदर छोड़ देना है। और अब इस पानी को इतना उबालना है कि 1 गिलास पानी सिर्फ 1 कप शेष बच जाए, 1 गिलास पानी यानी 250 ml पानी, सिर्फ 50 ml पानी ही शेष बच जाए, इतना हमें इस पानी को उबालना। आपको दमा की समस्या, अस्थमा की समस्या, सांस फूलने में दिक्कत होती हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, सांस घुटता हो, कितनी भी पुरानी हो, तो आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस प्रयोग को करने से। लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा, हमारे द्वारा बताया गया फार्मूला आपको उसी तरीके से यूज करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए इस फार्मूले को, बहुत ही कारगर है, किफ़ायती है, कम खर्चे वाला है। अभी देखिए करीब 3-4 मिनट उबलने के बाद हमारा काढ़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है और लगभग 1 कप शेष हमारा बच गया है। अभी गैस को कर देते हैं बंद और इसको लेते हैं छान, बहुत ही ज़बरदस्त काढ़ा बना है, इसको गरम गरम हम छान लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये लहसुन आपको दोबारा यूज नहीं करने, आप इसकी चटनी बनाकर खा सकते हो, लेकिन दोबारा इस काढ़े में आपको यूज नहीं करना। अभी देखिए लगभग 1 कप हमारा शेष बच गया है और काढ़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऐसे का ऐसा गुनगुना, जैसे चाय पी तो घुट घुट करके वैसे आपको सेवन करना है, सुबह खाली पेट आपको इसको सेवन करना है। अगर आपको दमा, अस्थमा, श्वास की दिक्कत पुरानी है तो आपको सुबह शाम 2 टाइम इसको सेवन करना पड़ेगा। अगर आपको दमा, अस्थमा, श्वास की दिक्कत नहीं है, क्रोनिक नहीं है, पुरानी नहीं है, नई बीमारी है, तो आपको सिर्फ 1 बार सुबह खाली पेट इसको सेवन करना है, आपकी दमा, अस्थमा की समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और दोस्तों बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है, घर में यूज होने वाला, जो अपने रसोई में यूज होने वाली सामग्री उसी से बनता है, जो हमारे घरों में माता पिता बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रात को अगर एक बार खांसी उठ जाती है तो उसको बिल्कुल बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है, कई बार बलगम भी आता है, बलगम को उखाड़ने के लिए
बलगम को अंदर से उखाड़ने के लिए बाहर निकालने के लिए ये काढ़ा बहुत ही कारगर है, किफायती है। आप इसका यूज कीजिए और अपने बलगम को भी बाहर निकालिए। साथ ही साथ ये श्वास की दिक्कत को तो ठीक करता ही करता है, साथ में आपके जोड़ों को दर्द को भी ठीक करता है, नसों में जमा होने वाला कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, खून को साफ करता है, बहुत सारे लाभ है इसके। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों ध्यान सिर्फ एक रखना है, सर्दियों में अगर इस फार्मूले का ले रहे हो तो 15 से 20 कलियां आप लहसुन की ले सकते हो, अगर गर्मियों में इस फार्मूले का ले रहे हो तो 5 से 7 या 8 10 कलियां ही लहसुन की आपको लेनी है। तो दोस्तों ये आप यूज कीजिए और अपनी सांस, दमा, अस्थमा, खांसी की दिक्कत को बिल्कुल जड़ से ठीक कीजिए। एक बार देखिए, मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट कैसा है इसका। बहुत ही अच्छा टेस्ट, मैंने पहले भी यूज किया है और दोबारा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल एकदम से जैसे आप एक कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, वैसे ही आपको फीलिंग आ रही है। कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्वदेशी नेचुरल है। आप इसको अपने घर पर बनाइए और सेवन कीजिए, बहुत अच्छा है टेस्ट भी इसका। नॉर्मल इंसान भी इसको ले सकता है, जिनको श्वास की दिक्कत रहती हो, बलगम जिनको जमा हो जाता हो। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कीजिए। लहसुन और गुड़ वाला ये तो था एक फार्मूला, अभी हमारे पास एक और फार्मूला है, आप इसको भी कर सकते हो, ये भी बहुत ही फायदेमंद है। जिनको श्वास की दिक्कत रहती है, सांस लेने में दिक्कत रहती हो, दमा होता हो, अस्थमा होता हो, सांस घुटता हो, सांस फूलता हो, उनके लिए आपको करना क्या है, एक गिलास पानी आपको लेना है किसी बर्तन के अंदर और गैस पे या चूल्हे पे आप चढ़ा लेना है। अभी इसके अंदर एक चीज डालनी है आपको, ये देखिए ये वाली चीज इसके अंदर डालनी है। ये क्या है, ये है कपूर की टिकिया। कपूर आपको हर किरियाने की दुकान, हर गली मोहल्ले, हर छोटे से छोटे गांव में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो कपूर की टिकिया को, छोटी सी टिकिया को आपको इसको पानी के अंदर छोड़ देना है इस प्रकार से। अभी इसको उबालना है धीरे धीरे, इसको जैसे ही उबलते जाएगा इसके अंदर से भाप उठेगी और उस भाप को आपको बर्तन के ऊपर मुंह कर लेना है। जैसे बर्तन के ऊपर से मुंह करेंगे तो ये कपूर की पानी की भाप हमारे मुंह और नाक के द्वारा अंदर जाएगी, तो अंदर तक जो हमें सांस की दिक्कत है, फेफड़ों के अंदर जो दिक्कत है, सांस उठता है, दम घुटता है, अस्थमा की दिक्कत है, खांसी आती है जो बंद नहीं होती, उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आप उस काढ़े को सेवन कर सकते हो, लहसुन और गुड़ वाले को, और इसकी भाप ले सकते हो, तो आपको दोहरा फायदा होगा। चलिए इसमें भाप उठने देते हैं, फिर आपको बताते हैं भाप आपको कैसे लेनी है। अभी देखिए दोस्तों, इसके अंदर से भाप उठनी शुरू हो गई है। अभी हमें तौलिया लेना है, टावल लेना है और अपने सिर के ऊपर इसको डाल देना है इस प्रकार से, जैसे मैंने डाल दिया है। अभी इसके अंदर भाप उठनी शुरू हो गई है। जिनको श्वास की दिक्कत रहती है, दमा की दिक्कत रहती है, सांस लेने में कठिनाई रहती है, बलगम जिनको आता है, खांसी जल्दी उठ जाती है तो बंद नहीं होती, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी देखिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी भाप उठनी शुरू हो गई है। अभी इसको इस टावल की मदद से इस प्रकार से देखिए भाप लेनी है, मुंह और नाक से श्वास लेना है। देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, जैसे ही कपूर की हमारे अंदर भाप जाएगी वैसे हमारे फेफड़े एकदम से खुलेंगे। फेफड़ों के जो रोम छिद्र होते हैं ना, जो स्पंज की तरह होते हैं, वो हमारी ऑक्सीजन को खींचते हैं और इतनी बढ़िया फीलिंग आती है जैसे हमारे अंदर से ऑटोमेटिक खुल रहा हो और जो बल्ब जमा हुआ बल्ब वो भी जल्दी से खुलेगा। और देखिए आप इसको बार बार कर सकते हो। देखिए बहुत अच्छे फीलिंग आ रही है और बहुत ही किफायती है। आप लहसुन और गुड़ वाला फार्मूला ले सकते हो, उसके साथ इसमें भाप ले सकते हो तो आपको जल्दी रिलीफ होगा। खासकर जो हमारे घर में बुजुर्ग रहते हैं, बड़े जो लोग होते हैं उनको सांस की दिक्कत ज्यादा रहती है, खांसी ज्यादा होती है, तो वो ये भी साथ में कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।